हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशांत, आज का क्लास में सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हाइपरलिंक क्या होता है? लिंक बिटवीन वन फाइल टू अनदर फाइल। ठीक है दोस्तों, तो एक फाइल से दूसरे फाइल के साथ कैसे लिंक करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिंक करने के से पहले आपको दोस्तों क्या करना है, जो डाटा आपके पास रहेगा उसको सेव करना जरूरी है आपको वर्ड में। उसका उस नाम पे सेव करके आपको वर्ड में रखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा क्या, जब लिंक करोगे तब क्या होगा। उस नाम को याद करके उसी हिसाब से उस नाम को सर्च करके आप लिंक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी मेरे चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सबसे आगे देखने के लिए मेरे चैनल का बेल आइकन को दबा देना। और दोस्तों, मेरे पहला जो पीजीडीसी कोर्स में पहले से पढ़ा रहा हूँ, जिसको अभी तक अटेंड किए नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम जाते हैं टॉपिक पे। अभी दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जैसे तो मैं सेव किया है ये वाला एक फाइल, सुशांत गारमेंट्स टी शर्ट, इसका अंडर में टी शर्ट जीन्स किड्स। तो इसके बाद इसके नीचे हम देख सकते हैं दोस्तों, एक टी शर्ट है, जीन्स है, उसके बाद किड्स है, उसके बाद ये वाला है। ठीक है, अभी दोस्तों हम क्या करना है, सबसे पहले लिंक करना है। लिंक दोस्तों करने के से पहले इसका लिंक का सिंपल लिंक का शॉर्टकट की है कंट्रोल के। कंट्रोल की दबाने के बाद आपको डायरेक्ट आ जाएगा पॉपअप मेनू, उसके बाद इंसर्ट मेनू में जाके भी आप हाइपर लिंक कर सकते हो। दोस्तों इंसर्ट मेनू में जा रहा हूँ, यहाँ पे हाइपर लिंक में जा रहा हूँ। जाने के बाद दोस्तों मुझे क्या, सबसे पहले दोस्तों आपको एक टी शर्ट को चूज करना, मैंने सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद ही आपको हाइपर लिंक पे जाना है। वहाँ पे जाके आप कहाँ किसका शायद आपको लिंक करना है, टी शर्ट के साथ, तो टी शर्ट के आप यहाँ पर सर्च करके भी टी शर्ट ले सकते हो। और यहाँ पे नीचे आके आपको ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसा देख सकते हो, मैं टी शर्ट है, इसको ओके करके मैं क्लिक कर दिया। जब हम हाइपर लिंक करोगे तब दोस्तों ये वाला ब्लू कलर हो जाएगा। ब्लू कलर होने के बाद आपको पता चलेगा कि ये वाला हाइपर लिंक हो चुका है। उसका दोस्तों ये वाला को भी लिंक मैं कर देता हूँ। इसका भी लिंक करने के लिए कंट्रोल के दबा के भी आप ले सकते हो। उसके बाद नीचे आपको जींस जो वाला जींस है वहाँ पे जाके, यहाँ पे जींस है, इसको शायद आप लिंक कर देना है। ठीक है, लिंक ये वाला भी हो चुका है। किड्स के साथ आपको लिंक कर देना है। अभी किड्स को साथ भी लिंक मैं कर दे रहा हूँ। नीचे आना है, उसके बाद ये वाला किड्स रहेगा। दोस्तों किड्स के साथ लिंक करने के बाद दोस्तों हम जब क्लिक करेंगे तो वो वाला पेज को साथ एक बार भी हम चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी ऐसा ढूंढेंगे तो दोस्तों टाइम लगेगा, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, डायरेक्ट टाइप कर देना है। ठीक है, जब टाइप करोगे तो क्या होगा, एक बार से आपको वहाँ पे जाके पहुँच सकते। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों, अभी अभी ढूंढोगे तो टाइम लगेगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है किड्स। किड्स करोगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको आ जाएगा ऐसे, जाके आपको किड्स में जाना है। जब जब सेव करोगे दोस्तों, आप कैपिटल में सेव करो तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कहाँ पे। देखो स्मॉल पे है इसलिए तो पता नहीं चल रहा है। इस पर किड्स पे जब जाओगे अब क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक पर करने के बाद दोस्तों ये वाला आपको पेज आपके सामने आ चुका होगा। दोस्तों ठीक अभी है, हमारा लिंक हो चुका है, टी शर्ट जीन्स किड्स। लिंक होने के बाद दोस्तों आपको कंट्रोल को प्रेस करना है। कंट्रोल को जब प्रेस करोगे तो एक पाम का एक हाथ का सिंबल यहाँ पे दिखने को मिलेगा। जब कंट्रोल बाहर क्लिक करोगे तो दिखाई नहीं देगा। जब कंट्रोल प्रेस का लिंक जहाँ पे होगा वहाँ पे ही आपको क्लिक करके, जब कंट्रोल प्रेस करके हाथ यही माउस को जब रखोगे कर्सर को, तब ये वाला पाम दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, जब कंट्रोल हटा दोगे यहाँ पे दिखा नहीं देगा, इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको कंट्रोल को प्रेस करना है। उसके बाद आपको टी शर्ट के ऊपर पाम के सिंबल आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे दोस्तों ये वाला पेज आपके पास आ चुका है, लिंक हो चुका है इसके ऊपर, इसलिए ये वाला आ चुका है। दोस्तों अभी क्या करना है, इसको हम एक बैक करके हम कहाँ जाना है, जैसे कि हम जा सकते क्या उस पेज में नहीं जाएंगे तो जैसे भी जेंस में जाना है, क्या कुछ भी हमारे जो जो भी हम सेव किए थे उसी हिसाब से उस फाइल में जाना पड़ेगा। तो इसको भी हम कंट्रोल के करके हमको इसको लिंक कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको लिंक क्या करना है, वो वाला जो हम लिखे थे सुशांत गारमेंट जो है वो, उसके साथ हम लिंक कर किए थे ना। उसके बाद हम जा रहे हैं, जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे हमारा यहाँ पे है सुशांत गारमेंट्स, यहाँ पे जाके यहाँ पे ओके की जब क्लिक करोगे तो वो वाला लिंक हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों उसका कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो वो वाला आ गया। दोस्तों ये वाला तो फाइव ज़्यादा थोड़ा डाटा था, इसलिए वाला ऊपर आ चुका था, इसका नीचे हमारा है। ठीक है, देख सकते हो ये वाला हमारा ऑलरेडी है।
दोस्तों यहाँ पे जींस पे पास जाना है तो हमको कंट्रोल प्रेस करके जींस पे जा सकते हो। फिर तो बैक करके नेक्स्ट में जाना है तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, हाइपर लिंक करके नेक्स्ट में हमारा क्या था, किड्स था, तो आपको यहाँ पे जाके किड्स पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी हमारा किड्स यहाँ पे है, देख सकते हैं बोला होने का। दोस्तों यहाँ पे आप ओके पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे कंट्रोल प्रेस करके तो आपको किड्स में आ गया है। ठीक है दोस्तों, अभी गो टू आपको क्या करना है, गो टू आप क्या अपना डायरेक्ट आपको टी शर्ट में जाना है, तो इसके साथ जिसके साथ आप लिंक करोगे तो उसके साथ आप जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसको कंट्रोल के जब क्लिक करोगे तो आपको जाना है टी शर्ट के ऊपर, तो टी शर्ट के जब ऊपर जब जाओगे तो आपको नीचे आना है, आपको टी शर्ट चूज करना है, टी शर्ट का नाम कहाँ पे है आपको चूज करने के बाद ही आप उसके साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमारा टी शर्ट पूरा नीचे में है, पहला टी शर्ट, इसके बाद ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों हो गया। अभी कंट्रोल प्रेस करके आप जब क्लिक करोगे तो वाला टी शर्ट ऊपर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी हम जब बैक में गए थे इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके जब ए वाला हमारा आ चुका है, ठीक है नीचे है हमारा। ठीक है, अभी डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से किड्स में भी हमारा लिंक हुआ था, यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे कंट्रोल प्रेस करके आ चुके हैं किड्स में। देखिए दोस्तों, ये हमारा लिंक का काम है और बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि अभी आप हर एक जैसे आप जिसके साथ लिंक करना चाहते हो उसके हिसाब से कर सकते हो। और दोस्तों रिमूव क्या करके रिमूव कैसे करना है लिंक को, सबसे पहले दोस्तों आपको क्लिक करना है, ऐसे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट में जाना है, हाइपर लिंक में जाना है। तो दोस्तों ये वाला देख सकते हो राइट साइड में, ये वाला जो है इसको आप रिमूव लिंक कर सकते हो, लिंक कर सकते हो वाला हट जाएगा, जो ब्लू कलर रहेगा उसको हट जाएगा। इसको हिसाब से आप लिंक कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, लिंक भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मेरे पहला वाला वीडियो अभी तक किसी ने अभी नहीं देखे हो, जो अभी नए हो तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा के आ रहा हूँ PGDCA का, MS वर्ड का, तो सबसे पहले वहाँ पे आप मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ पे आपको ले जाना। ठीक है दोस्तों, कहीं भी डाउट होगा तो मुझे बताना, क्योंकि दोस्तों डाउट आएगा तो मेरे कमेंट में बताना, तो ये वाला डाउट है तो उसी हिसाब से मैं उसको सबसे पहले क्लास में उसको मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा, उसके बाद दूसरे चैप्टर में हम जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कहीं भी डाउट होगा और किसी का डाउट नहीं है तो आप कमेंट में यस कर देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप वाले सब ठीक ठाक है, सब समझ गए। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।